हेलो फ्रेंड्स, राहुल सोसौनी अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, यूपी कांस्टेबल पुलिस भर्ती में अब जो भर्तियों की जो रिक्तियां हैं वो बढ़कर 80,000 कर दी गई हैं। प्रोग्रामर समेत करीब 80,000 पदों पर वैकेंसी भर्ती हुई जा रही। देखिए, पहले शुरुआत में 53,000 के वैकेंसी की समथिंग थी, फिर 60,224 वैकेंसी हो गई। अब उसके बाद में जो वैकेंसी है वो बढ़ाकर कितनी कर देगी, 80,000, लगभग 80,000 पदों पर अब यूपी कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है। चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है। नागरिक पुलिस में 12,000 महिला सिपाहियों की होगी भर्ती। PAC की एक महिला बानी में भर्ती की अनुमति भी मिली हुई है। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले नारी शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। उत्तर प्रदेश से एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड जल्द ही 60,224 सिपाहियों की सीधी भर्ती करने जा रहा है। इसमें करीब जो 12,000 महिला सिपाहियों की भर्ती होगी। इसके अलावा PAC की 3 महिला वाहनों में से एक में भर्ती की अनुमति भी शासन को प्रदान कर दी गई है। इसके लिए अलग से 761 महिलाओं की भर्ती की जाएगी। अगले 2 माह के भीतर नागरिक पुलिस, PAC, अग्निशमन सेवाएँ, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल में भर्तियों के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर समेत करीब 80,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। PAC के अलावा बाकी शाखाओं में नियमों के मुताबिक 20% महिलाओं को भर्ती भी होनी है। तो देखिए, ऑल ओवर यहाँ पर यह बोला गया है कि जो अब भर्तियों की जो संख्या है, जैसे जैसे ये नोटिफिकेशन लेट होता जा रहा है, उस हिसाब से लेट होता जा रहा है, उस हिसाब से इसमें पद बढ़ते जा रहे हैं। अब जल्दी आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब जो भर्ती है वो आपकी लगभग 80,000 पदों पर होने जा रही है, और हो सकता है अगर थोड़ा बहुत और भी लेट होता है तो इसमें पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन अब आपको अपनी तैयारी जारी कर देनी चाहिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ओके, धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।